इंदिरा गांधी आवास योजना के अंतर्गत जो बीपीएल धारी के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको हर परिवार में एक पक्के की मकान मिलनी चाहिए। लेकिन अंबेडकर नगर गांव में उर्मिला देवी और उनके समुदाय के लोगों को ऐसा कुछ नहीं मिला है। आपकी क्या परेशानी है? परेशानी मेरा एक झोपड़ी है, झोपड़ी में हम 6 लोग रहते हैं। बारिश आती है भीग जाते हैं। ये झोपड़ी देखिए सगर पन्नी टांग टूंग कर रखते हैं, हवा आती है तो उड़ जाती है पन्नी। खाना कहाँ रखेंगे, खाएंगे क्या, कहाँ सोएंगे, कहाँ बैठेंगे, रात भर इधर उधर भागा दौड़ी हो जाते हैं हम लोग। एक सामने में झोपड़ी, वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी नहीं बच पाते हैं। आपने अपने गांव के मुखिया को नहीं बोला कि आपके पास एक घर नहीं है, पक्के की मकान नहीं है? बोले मुखिया को, मुखिया तो पैसा मांगता है, कहाँ से देंगे, घूस हम लेने जाते हैं, खाने नहीं है मिलता है तो घूस कहाँ से देंगे। ये स्थिति आपकी कब से है? 1 साल से है। इसके पहले आप कहाँ रहते थे? पिताजी के घर में रहते थे। पिताजी ने ज़मीन हमको दिया कि तुम अपना रहो, खाओ कमाओ। और भी ऐसे कोई यहाँ पे गांव में है लोग जिसको कि आपके जैसा उनको पक्के के मकान ना हो? हाँ, 10-12 घर होगा। हम चाहते हैं कि इंदिरा गांधी आवास योजना के अंतर्गत उर्मिला देवी और उनके समुदाय के लोगों को जल्द से जल्द एक एक पक्के की मकान मिलनी चाहिए, ताकि फिर से वह तूफानी रात, सर्दी गर्मी बरसात की को झेलना ना पड़े। और इसके लिए वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार के इस नंबर पर कॉल कर उन पर दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। नंबर है 94 31 81 82 54। मैं मुंगेर बिहार से शीला, इंडिया अनहर्ड के लिए।